हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और भैया पिछले दो दिन से स्लीप डिप्राइव चल रहा है, ना तो नींद हो रही है ना ही आराम हो रहा है, बस ब्लॉग ही ब्लॉग हो रहा है। ठीक है, और अभी इन हाउस फोटोशूट भी चल रहा है, दिखाते हैं आपको। इसके अलावा ये कि अगर आपने पिछले दो तीन दिन के नवरात्रि ब्लॉग्स नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात रात भर हम खेलते हैं और रात रात भर ही एडिट करते हैं और सुबह सुबह आपको ब्लॉग दिख जाता है। ठीक है, आज का ब्लॉग थोड़ा लेट इसलिए हो गया कि मैं रात को एडिट करते करते सो गया था, फिर सुबह कंप्लीट किया, फिर वाईफाई ने भी धोखा दे दिया तो 15-20 मिनट आधे घंटा लेट हुआ था शायद, लेकिन आ गया। कंसिस्टेंसी मैटर्स। आज घर में पूरा सेटअप लगा है भैया, इन हाउस फोटोशूट हो रहा है, ये कोई प्रोडक्ट फोटोशूट है। हमारे घर में सारे क्रिएटिव लोग हैं भैया, सारे ही अत्यंत क्रिएटिव है, सब पूरा फाती है। मैं नहीं कर रहा है, छोटा वाला कर रहा है हितेश। तो भैया आज भी ब्लॉग 12 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है, तो अभी थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, फिर हम जाएंगे हेयर कट करवाने। ज़रूरत है यार, आखिरी 3-4 दिन बचे नवरात्रों के, क्या पता कोई लड़की वड़की कोई आंटी वांटी देखे यार अपनी बेटी देने के लिए राजी हो जाए। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नवरात्रों में रिश्ते तय होते हैं हमारे यहाँ, तो बाकी पूरे साल तो खाली टाइम पास होता है। सैड ट्रुथ। तो ये लंच कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं हेयर कट करवाने। तो भैया हेयर कट और बियर्ड हो चुकी है, मैंने आज लाइट करवा ली थोड़ी, नवरात्र है ना, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लुक आना चाहिए, समझे ना, वो लड़की वड़की देखे तो भाई। तो भैया हेयर कट डन हो चुका है, थोड़े से बाल छोटे करवा लिए, बियर्ड भी थोड़ी लाइट करवा ली क्योंकि वो बहुत बल्की हो गई थी ना, तो लोगों को लगता है मेरी शादी वादी हो गई है, एजेड लग रहा था मैं, तो अब थोड़ा यंगस्टर लोग यो यूट्यूबर। और एक बात मैंने आज बताई नहीं कि कल गरबा खेलते खेलते मेरे हाथ में किसी का फ़ोन था, मैं वीडियो बना रहा था और भागते भागते अपना फ़ोन लेने आया, मेरा एक पैर सीधा रह गया, राइट लेग ट्विस्ट हो गया, मतलब बेंट हो गया, तो मोच आ गई है। अभी मैंने घर पर बताया नहीं है, घर पर बताऊँगा ना तो मम्मी जाने नहीं देंगे आज से, तो ये वाला पार्ट डाले या ना डाले वीडियो में, डाल देंगे लेकिन कुछ तिकड़मबाजी कर देंगे इसमें, म्यूट कर देंगे, नहीं म्यूट करेंगे तो समझ कैसे आएगा, फिर ऐसे डाल देंगे, सच का सामना। हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। गली में हो गया कीर्तन चालू हुई है, ठीक है, नवरात्रों के कीर्तन चालू हो गए और मैं रात को ज्यादा सोया नहीं हूँ भैया, हम कल पीतमपुरा गए थे तो वहां से आते आते शायद 3 बज गए थे, फिर थोड़ा सा एडिट वेडिट और कट एंड क्रॉप किया वीडियोस को तो 4 बज गए, 4 बजे सोया, 9 बजे फिर उठ गया था फाइनल वीडियो एडिट करने के लिए। तो ऐसा करते थोड़ा सा सो जाते आधे एक घंटा ताकि रात को ऐसे गरबा ना खेलना पड़े। तो भैया शाम को सोने के बाद सीधा आपसे मुलाकात हो रही है गुजराती मंदिर में, आ जाओ भाई आ जाओ। अभी आप जितने भी वीडियोस देख रहे हो अच्छी क्वालिटी वाली, वो भाई के वन प्लस में बन रही है, मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट फुल हो रखा है क्योंकि बैक टू बैक ब्लॉग बन रहा है, कितना भी डिलीट करना चाहूँ लेकिन डिलीट हो नहीं पा रही है फाइल्स, क्योंकि यादें होती ना वो संभाल के रखनी पड़ती है। ठीक है ना भाई, कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही हार्डवर्क करते रहो। ये भाई ने कॉमेंट किया था हार्डवर्क वाला, क्योंकि हार्डवर्क वाले जो कॉमेंट होते ना वो दिल के करीब होते हैं, तो जय माता दी, और हम इस तरह ब्लॉग बनाते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है अवनी जेटवा, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट कमेंट करने वाली लड़की हमारे चैनल पे, कुछ बोलना चाहोगे? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ना आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो और बनाते रहो और किसी की मत सुनो, सब लोग पागल है मेंटल, आप बनाते। ये बहुत अच्छी बात बोली है इसने, लेकिन मैं रिपीट नहीं करना चाहता। घर आंगणिए आज घर वो रंगे जग मारा वाला, चमचो घर आंगणिए आज घर वो रंगे जग मारा वाला, खल जो वो तो है ही घेरी हैया ही
फटपट झटपट छाए रे चिलन छिलवा जाता के घर में घूमवा जाता ये भैया ये भैया इनको जानते कहाँ गया, इसको जानते कहाँ मिले थे बताओ? जोधपुर जैसर में लाभ इनके साथ थे, रूम नंबर 46। आज ले जाया जा रहा है भैया घर पे फाफड़ा। जयकारा शेरावाली दा, जय